खास नहीं लगता। हाँ ठीक है, ओके ऑल राइट, मूविंग ऑन. सो फैमिली वीक, टॉक अबाउट सिड्स मॉम. यस 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 लीला, यस मैम, वी विल डू दैट. तो जब सिद्धार्थ की मॉम आई थी, आपने मतलब ये तो सारी ऑब्वियस चीजें, इसमें डीकोड करने वाली बात है ही नहीं, कि आपने उनकी आंखों में जो सॉफ्टनेस जब वो शहनाज को इंट्रोड्यूस करवाता है, राइट, दीज आर लिटिल वेरी सटल थिंग्स, राइट. तो वो मॉम ये है शहनाज, तो वो बोलती है यस. तो जब जो जिस तरह से वो यस बोलती है, राइट, वो अगर आप किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो या यू ऑलरेडी हैव ए फीलिंग फॉर दैट पर्सन, यू गो सॉफ्ट बिफोर यू इवन मीट देम, राइट, बिकॉज आप मतलब आप उनके लिए बायस्ड या जो भी आपके आपके आपको उनके लिए कुछ है. हाँ, महबूबा वाला भी बोला था, एग्जैक्टली. ओ माय गॉड हीना, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप. थैंक माय, यू। उसके बारे में कितने चर्चे हुए थे सोशल मीडिया पे, इट वाज हिलेरियस. मतलब डीकोड पे डीकोड किए जा रहे हैं, बंदे अपना अपना थियोरीज लगा रहे हैं. आई एम लाइक, भाई उसने बोला था मेरी महबूबा डरी हुई होगी, उसने वो सीधा बोला था, बिकॉज यहाँ पे वो हमारे पास यहाँ पे सबटाइटल्स होते हैं, राइट, उसमें वो सबटाइटल्स ट्रांसलेट किए गए थे. हम लाइक, ये लोग इतना लड़मड़ क्यों रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसने सीधा बोला था. मैन, उस वो एपिसोड पे जितने हेडफोन्स पे वॉल्यूम ब्लास्ट आउट किया है ना, और ये दोनों माँ बेटे इतना मंबल करते हैं, माय गॉड. मतलब वो डीकोड की लेवल अलग ही लेवल पे थी बॉस. वो काउच पे जो उनकी बातें हुई थी, हम लोग, यार तुम लोग मुंह खोल के बातें करा करो. दोनों भी एक जैसे हैं. मतलब तब मुझे पता चला, भाई डीएनए भी कोई है चीज. ही इज जस्ट लाइक हिज मदर. आई मीन, ही इज जस्ट लाइक हिज मदर. एंड या उसने बोला था, महबूबा बोला था, दैट वाज. एंड ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, चैनल हैड एडिटेड दैट फैमिली वीक अ लॉट, बिकॉज शहनाज के डैड ने जो इंटरव्यू दिया था बाद में, उन्होंने बोला था कि मेरी, उन्होंने सब कुछ बोल दिया था यूट्यूब पे या जहाँ जो जो भी चैनल था, शायद यू नो फीफा ने कवर किया था या कोई किसी और ने कवर किया था, उन्होंने सारी बातें बोली जो उन्होंने शहनाज से बोली थी जब वो घर के अंदर थे. हमें कितना दिखाया गया था, बेरली 3-4 मिनट्स और 5 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा दिखाया नहीं गया था. वो मतलब उससे पता चलता है कि किस हद तक ये एपिसोड मतलब हर एक एपिसोड एडिट किया जाता है. सो एनीवे, तो बट जितना उसके मॉम का दिखाया था, मैन उन्होंने ना ऐसे ली है ना सबकी, इट वाज सो मच फन. नाउ 139 पीपल इन लाइव, 1 + 9 + 3 = 13. मनोज यार, यू आर फनी. ओके ठीक मनोज है, कह रहा है कि मेरा डांस डिस्कस नहीं करोगे ना तो मैं अपना लंबा लंबा मैसेज हाँ लिखूंगा। ठीक है ठीक है. तो फिर मैं फैमिली वीक का थोड़ा इतना ही बोलूंगी, बिकॉज हम उसकी मॉम के बारे में बात कर रहे थे, राइट, बिफोर यू नो डिसकनेक्टिंग. तो उसकी मॉम ने एक एक क्या बोला था. पहले शहनाज को बहुत ही प्यारे वे से यस बोला था, राइट. आई थॉट दैट वाज वेरी सटल एंड बहुत मतलब लाइक आई सेड, उन्होंने सब कुछ मन से बोला था. तो ये दोनों बहुत मंबल करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने, सारे लोगों ने अपने ईयरफोन्स हेडफोन्स कान में लगा लगा के, इवन फीफा या पता नहीं कितने मीडिया पोर्टल्स ने अपने गंगा में हाथ, यू नो बहती गंगा में हाथ धोए हैं, या यू नो हैंड्स इन द कुकी जार, जो भी आपके एनालॉजीज हैं, कि सिद्धार्थ ने शहनाज के बारे में क्या बोला, उनकी मम्मी ने क्या जवाब दिया, बिकॉज राइट वो सब डिकोडिंग हो रही थी, सबकी डिकोडिंग हो रही थी अपने अपने हिसाब से, करेक्ट.
वो तो हुआ, बट द पॉइंट बीइंग दैट वो काफी एडिटेड था. बट सिद्धार्थ के मॉम ने किस किस का क्या क्या मतलब कैसे कैसे लिया, राइट? सो लेट्स जस्ट गो थ्रू द लिस्ट. सो लाइक शहनाज के लिए ऑफकोर्स शी हैड मोर देन अ सॉफ्ट कॉर्नर. शी वॉज ऑलरेडी इन लव विद दैट गर्ल बिकॉज द वे शहनाज ने सिद्धार्थ की केयर की थी जब सिद्धार्थ बीमार था. सो एज अ मदर मैं उसको वो हिसाब से रिलेट कर सकती हूँ. अगर मेरा बेटा बीमार हो और कोई किसी कोई उसके लिए जेन्युइनली केयर कर रहा है, ऑब्वियसली मुझे उस बंदे या बंदी के लिए बहुत ही नॉट सॉफ्ट कॉर्नर बट आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, राइट? बिकॉज इफ आई एम नॉट देयर एंड इफ समवन इज टेकिंग केयर ऑफ माई चाइल्ड लाइक आई वुड हैव टेकन केयर ऑफ माई चाइल्ड, दैट इज एक्सट्रीमली स्पेशल. सो ये हम या ये रोमांटिक मोमेंट्स ये सब देखते हैं और सारी ऑडियंस मतलब खुश हो जाती है, सॉफ्ट फील करती है, वो सब अच्छी बातें हैं, मैं उसको वो नहीं करूंगी. बट एज अ मदर जो मतलब आपको याद है जब वो ट्रक नहीं ट्रेन वाला टास्क हुआ था और सिद्धार्थ मतलब ही वॉज इन टीयर्स दैट डे और वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था. ही वॉज आउट ऑफ स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, ही वॉज आउट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ. फिर वो ट्रेन टास्क के बाद पारस चला गया, फिर वो जो भी अंडे वाला टास्क हुआ जो रद्द किया गया, राइट? ऑल दैट वॉज हैपनिंग बट इस बंदी ने उसका क्विल दिया उसको बिकॉज ही वॉज प्रॉबली ही हैड चिल्स, ही हैड फीवर बिकॉज लाइक टाइफॉइड इज अ वेरी एग्रीवेटेड बीमारी, राइट? बहुत कुछ होता है उसमें सिम्टम्स. मतलब ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द फैक्ट. अगर आप कुछ और सोचते हो तो ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ. बिकॉज अगर हम लोग कैंपिंग जाते हैं यहाँ पे तो हम बाहर सोते हैं इन टेंट्स एंड एंड ऑल दैट, तो हम वहाँ पे वेट सूट नहीं पहनते, हम जीन्स ही पहनते हैं बिकॉज जीन्स से लाइक बॉडी ही ट्रीटेन होती है. तो शहनाज ने उस दिन अपना जीन्स चेंज नहीं किया था अपने वो बिकॉज एवरी मॉर्निंग डांस वो हमेशा अपने नाइट सूट में होती है. उस दिन वो नाइट सूट में नहीं थी, वो जीन्स में थी बिकॉज उसको अपनी बॉडी ही ट्रीटेन करनी थी बिकॉज उसके पास कंबल नहीं था. और वो बंदी इतनी सेल्फ ये सारे ये हिना विना ये सब जो आके बोलते हैं ना कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रख, वो अलग डिकोडिंग है. अमन हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे. BB14 और हिना खान का टपकना BB13 में और रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात करना वो मैं डिकोड बाद में करूंगी बिकॉज उसके लिए भी मेरे पास ओपिनियंस हैं, बट दैट्स फॉर लेटर. ये बंदी जीन्स पहन के वो अपनी जो वो जो मरून ब्राउन शॉल या रैप है वो लेके सोती है, अपना कंबल सिद्धार्थ को देती है. एंड इवन सिद्धार्थ जब कोई बंदा बीमार होता है, राइट, वो दे वांट फिजिकल कंफर्ट. जैसे आई वॉन्ट माई मॉमी जो होता है ना, आई वॉन्ट माई मॉम. जैसे माँ मतलब मे बी बिकॉज आई एम अ मदर मुझे वो ज्यादा इंस्टिंक्ट्स दिखाई दे रहे थे उस वीक में. यस ओके इट्स अ डील, इट्स अ डील. या सो प्रीति लेट्स लेट्स डू दैट समडे, लेट्स डू दैट. आई एम विथ यू ऑन दैट. हम हीना को डिकोड करेंगे मेरे को भी नेक्स्ट होना टाइम. है उसमें प्लीज. हाँ यू गॉट इट. अमन याद रखना प्लीज, हम आएंगे कभी इस वीकेंड पे या कुछ और हम हिना खान को डिकोड करेंगे, ठीक है? अभी वो शायद बेचारी अपने डैड के लॉस के लिए ग्रीव कर रही है, बट हम सिर्फ गेम के हिसाब से डिकोड करेंगे, ठीक है? कोई पर्सनल वर्सनल नहीं जाएंगे. तो कमिंग बैक टू दिस, सो जब लाइक सिद्धार्थ की मॉम आई थी ना तो वो शी केम विद दैट बिकॉज आई कुड कनेक्ट विद हर एज अ मदर. बिकॉज ग्रोइंग अप राधिका जी यस
अभी आप ना आप इतना गेम के अंदर घुस जाते, अभी आपने कहा जल्दी जल्दी से ना हम फैमिली Stop it. जल्दी जल्दी से ना I am totally फैमिली contradicting myself. Am I not? Thank you. वो जब वो maternal instincts की बात आती है ना, तो मैं थोड़ा भावुक हो जाती हूँ. So thank you, Mariam, for knocking me out of that reality, taking me back to reality. But no, I think when his mom came, and जैसे वो डेथ है ना दोनों का, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि किसी और माँ बाप माँ बेटे में इतना डेप्थ नहीं होगा, मैं किसी और के बारे में नहीं बोल रही हूँ. इनका डेप्थ राइट, बहुत कम लोगों के रियलिटी, मतलब रियल रिलेशंस हमें स्क्रीन पे दिखते हैं. इट्स अ वेरी रेयर केस, और इनमें हुआ है राइट. बिकॉज कितनों के आप मॉम और सन के रिलेशनशिप्स आप इस तरह से देखते हो, नहीं देखते हो. वी डोंट नो व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ, बट इनका हमने देखा है. हमको वो यू नो प्रिविलेज मिला है दैट दे हैव अलाउड अस द ऑडियंस, मिलियंस ऑफ ऑडियंस, इनटू देयर पर्सनल लाइव्स. Which, if you know what kind of a person, you know, Siddharth is, he's a very private person. He's not a secret person, he's a very private person. उसको अपनी प्राइवेसी से बहुत प्यार है, एंड होना भी चाहिए. वो उसका उसका यू नो प्रोग्रेटिव है. तो हमको वो विंडो मिला है ये माँ बेटे के रिलेशनशिप को देखने का राइट. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल रिस्पेक्ट दैट, अ लॉट ऑफ हिज कलीग्स हैव ऑल्सो कॉल्ड दैट आउट टू से ही इज वेरी क्लोज टू हिज मॉम. उसने यू नो झलक में भी उसके मॉम के लिए डेडिकेट किया था एक सॉन्ग, और उसकी मॉम और नीतू एंड दे हैड कम ऑन ऑन द सेट, एंड यू कैन सी हिज मॉम वॉज वेरी कॉन्शियस, बट यू कैन सी दैट लव. एंड आई एम नॉट सेइंग कि ओ दे आर द ओनली लाइक यू नो दे आर द पोस्टर चाइल्ड फॉर द या सुनीता, आई थिंक यू नीड टू लॉग ऑफ एंड लॉग बैक इन. बट एनी वे, तो हमने उनके बॉन्ड का डेप्थ देखा था करेक्ट. सो जब तो कीपिंग दैट इन माइंड, बिकॉज एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स, आई थिंक उनका एक ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे क्या होता है वो, एक कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट है ना जो लाइक सिद्धार्थ के मॉम और यू नो सिद्धार्थ पे एक आर्टिकल आया था आफ्टर ही केम आउट ऑफ BB13 अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हिज मॉम. मुझे शायद याद है, बट वट एवर. सो द पॉइंट बीइंग कीपिंग दैट इन माइंड राइट, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड बिकॉज हिज डैड पास्ड अवे, एंड उसकी जो स्क्रीन पे का यू नो करियर शुरू हुआ था उसकी मॉम की वजह से हुआ था आफ्टर हिज डैड पास्ड अवे. अंटिल हिज डैड वाज अलाइव आई थिंक ही वाज स्टिल एक्सप्लोरिंग दैट इंटीरियर डिजाइन लाइक करियर फील्ड एंड ऑल दैट. फिर देन शी सेड ओके यू नीड टू गो टू दैट यू नो टर्की लाइक मॉडल हंट और वट एवर, जो भी वो कॉम्पिटिशन था या जो भी था, तो वो कॉन्टेस्ट था. तो वहां से उसका जो स्क्रीन का जर्नी शुरू हुआ. सो ही डेडिकेट्स अ लॉट ऑफ दैट टू हिज मॉम राइट. सो वो सब जो, सॉरी अमन, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. तो वो तो उसके मॉम को वो बहुत डेडिकेट करता है फॉर हिज करियर, एंड जो मतलब नॉट जस्ट हिज करियर राइट, आप उसके हिडन मीनिंग को भी देखो कि उसके डैड के जाने के बाद उसकी मॉम अकेली थी. उन वो मतलब अकेली लाइक कमाती थी, अपने बच्चों की शादियां की राइट, अपनी बेटियों की शादियां की, या मतलब उसके डैड भी थे शायद जब उनकी शादियां हुई थी, बट जो भी है इसका इसका करियर उसके मॉम ने बनाया था. वो बहुत डेडिकेट करता है उसके मॉम के लिए. तो अच्छा, तो वो सब हम रखते हैं बैकग्राउंड में. यू नो फास्ट फॉरवर्ड यू नो 15 ईयर्स, तो अभी वो आई है बिग बॉस के घर में, और जितना भी अटैक हुआ था, चाय वाला इंसिडेंट हुआ था, सीक्रेट रूम हुआ था, टाइफॉइड हुआ था, सब कुछ हुआ था राइट. तो ये सब होने के बाद उसकी मॉम आई थी,
और तो वो सब, तो वो जब उन्होंने शहनाज को देखा तो उनको बहुत प्यार आ गया था शहनाज पे, मेरे हिसाब से. तो वो बहुत सॉफ्ट थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा शहनाज की तरफ कम्युनिकेट नहीं किया, बिकॉज वो सिद्धार्थ की गेम एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, गेम या पर्सनल फीलिंग्स या वट एवर, बिकॉज ये लोग बहुत प्राइवेट फैमिली हैं ये लोग, राइट? बिकॉज इनकी कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है इनकी फैमिलीज की, जैसे औरों की फैमिलीज की, सारों की लाइक सोशल मीडिया अकाउंट्स है. सारों ने इंटरव्यूज दिए थे जब उनके जो बंदे BB13 में आए थे, सारों ने इंटरव्यूज दिए थे एक्सेप्ट फॉर हिज फैमिली. इफ यू नोटिस, इवन शहबाज ने भी इंटरव्यूज दिए थे बिकॉज वो खुद आया था घर में, उसके डैड ने भी काफी इंटरव्यूज दिए थे, बट सिर्फ इसकी फैमिली थी, सिद्धार्थ की फैमिली थी, जो कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई थी. तो ये बहुत प्राइवेट फैमिली है, और उन्होंने उस चीज का लिहाज रखा और उन्होंने शहनाज के साथ कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, हालांकि वो कर सकती थी बिकॉज वो राधिका बहुत ग्रेटफुल थी. या गो अहेड मरियम. जी, और मुझे उस पे भी कहना था कि जैसे बाहर तो सब दिख रहा था ना, देख कुछ सी के ये फलश्मी उसको किन किन खिताबों से नवाज रही थी, राइट? कितने अच्छे अच्छे शब्द बोल रही थी उसके लिए. उसके बाद भी फैमिली का चुप रहना इन लोगों की ग्रेस दिखाता है कि ये लोग उस मामले में ये लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते. हालांकि मुझे लगता है कि उस मामले में चुप रहना एक फैमिली के लिए इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू, कि जब आपके बेटे को कोई ऐसी ऐसी चीजें बुला रहा है जो आपका बेटे को भी नहीं पता, लेकिन आप सुन सकते हो और आप उसको कोई रिटेलिएट नहीं कर रहे, डिफेंड नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, आप चुप रह रहे हो. तो उस वक्त जैसे मैं शहनाज के सबर की बात करती हूँ ना, सिद्धार्थ की फैमिली का पेशेंस उस वक्त आई डोंट नो लोगों ने कैसे कंट्रोल किया, और उसकी मॉम अंदर जाके भी इतना ग्रेसफुल रही उन मैडम के सामने, क्योंकि उसने बहुत अजीब गंदे गंदे टाइटल दिए थे इसको. सॉरी मैंने आपको काटा. नहीं, एब्सोल्युटली. बट द अमेजिंग पार्ट इज, जैसे उसकी मॉम ने सबकी ली है ना, सबकी बजाई है, वो शायद सारों को कनेक्ट नहीं हुआ है ऑडियंस को. एक तो ठीक है, तो वो पहले शहनाज को बोलती है, फिर आसिम को बोलती है, जो बॉडी बिल्डिंग करता है. बिकॉज ये बॉडी बिल्डिंग की बात कब आई, जब शहनाज कैप्टन थी और ये बंदा कुछ काम नहीं कर रहा था. वो जो बाथरूम वाला फाइट था, मुझे लगता है, अगेन दिस इज मी कनेक्टिंग माई डॉट्स, जब वो सिद्धार्थ के साथ उसने लड़ाई की थी कि बाथरूम साफ कर, ये शहनाज उसके पीछे पड़ी थी और ये बाथरूम में जाके मुक्के मार रहा था, वो वाला जो सीन हुआ था. तो वो आई थिंक उसका ताना ताना मार रही थी, मुझे लगता है. मतलब ताना नहीं कहूंगी, बट वो जो हंस हंस के लेते हैं ना, वो कर रही थी, एंड शी वाज बीइंग वेरी सटल. तो वो हुआ था. फिर उसके बाद आई आरती आंटी, ये मुझ नहीं, तब तब उसने कुछ नहीं करा था, वो आंटी ये मुझसे बहुत काम करवाता है, ये जाते वक्त बोला था उसने. तो वो अब्दुल्ला को कुछ नहीं बोली थी. तो वो बोलती है कि सिर्फ ये मेरे को ठूसती रहती है, ऐसे कुछ बोला था, राइट? तो वो बोलती है, हाँ नथिंग न्यू नथिंग न्यू. तो उन्होंने ज्यादा वहां पे कुछ उसको किसी को भाव नहीं दिया. फिर जहर को बोलता है कि ये मेरे को स्मार्ट रखने की वो करती है, हेल्प करती है स्मार्ट, बिकॉज वो थोड़ा स्टम्बल कर रहा था कि वो जहर के लिए क्या बोले. बट जहर इज सच ए क्लेवर गर्ल, मतलब क्लेवर इन द सेंस कनिंग बोलूंगी, राइट? वो वाला क्लेवर. या सो तो वो इसीलिए वो बोल रही थी कि ये मेरे को स्मार्ट रहने में हेल्प करती है. तो वो बोलती है, व्हाट रबिश या व्हाट नॉनसेंस, ऐसे ऐसे कुछ बोलती है. बट बेसिकली टू से दैट यू आर प्लेइंग अ वेरी गुड गेम. सो दैट वाज अ वे ऑफ हिम टेलिंग हिज मदर कि ये करती है. फिर उसके बाद मायरा, डेलिकेट डार्लिंग, दैट्स द फर्स्ट थिंग शी सेड. मैं तब क्या हंस पड़ी, बॉस, ये हिज मॉम वेंट ऑल द वे टू बोरी टास्क, और मुझे इतनी हंसी आई. माई गॉड, लाइक हिज मदर इज वेरी स्मार्ट. फिर उसके बाद वो रश्मि के पास जाती है, राइट? फिर रश्मि को बोलती है, हाँ मैं तो इससे अच्छे से जानती हूँ,
अच्छे से का क्या मतलब है वो भी हम पे डिपेंड करता है, हम उसको कैसे परसीव करते हैं। तो फिर वो पारस से मिलती है, उसका उसका भी कुछ ठीक से, मतलब मुझे वो बहुत कोल्ड लगा जैसे वो पारस से मिली। बहुत ही मतलब इट वाज अ वेरी क्या बोलते हैं, ठीक है अभी हम जैसे हम थोड़े अपने रिलेटिव्स को मिलते हैं जो, और डू आई रियली हैव टू से हाई टू यू, वो वाले रिलेटिव्स होते हैं ना, वैसे वाला मुझे लगा इनका जो इंट्रोडक्शन हुआ था जो पारस के साथ हुआ था। फिर अंदर जो गई और विशाल और मधुरी की ली, वो तो दैट वाज हिलेरियस। अलग अलग आना या साथ आना, दैट वाज टू मच फन, शी मेड अस ऑल लाफ दैट डे। फिर वो जो इनका जो काउच पे जो उनकी बातें हुई ना, मुझे ना ये फैमिली ना बहुत प्राइवेट तो है ही है, बट मुझे ये बहुत सिंपल और बहुत रिलेटेबल लगती है। बहुत ही जैसे हम जैसे लोग हैं, मतलब ये लोग ना प्रिटेंड नहीं करते हैं आपस में, या कुछ इमेज नहीं दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम एजुकेटेड हैं, ये मतलब दे आर वेरी ग्राउंडेड एंड दे आर वेरी रियल पीपल। एंड आई थिंक दैट इज वाई ये शहनाज और सिद्धार्थ ऐसे, दे आर हैंड इन ग्लव, मतलब इनकी इतनी जमती है बिकॉज सारे रियल हैं। मतलब ये इनका कोई भी प्रिटेंशियस नहीं होता है कि भाई अभी कैमरास लगे हुए हैं तो हमें इंग्लिश में बात करनी है, या हमें इस तरह से बात करनी है, या हमें ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, या हमें ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो ये सब ना ये बहुत लोग करते हैं। अभी जैसे आप अब्दुल्ला की फैमिली देख लो, या शेफाली का हस्बैंड आया था, या ये ऑफ कोर्स ये लोग तो खैर मीडिया से बिलोंग करते हैं, लाइक माहिराज मॉम वाज फुल ऑन प्रिटेंशियस। मतलब वो शायद उनका गिग होगा, मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ, बट वो एक अपना जो उनका नो बट ब्रांड मैं है। तो उनको जज करूंगी, मैं तो उनको जज करूंगी। उन्होंने हाँ शहनाज के बारे में चीजें बोली बाद में, मैं तो उनको जज करूंगी। ठीक है, या एग्जैक्टली। बट वो ना वो मतलब वो अपनी इनकी जो ब्रांड होती है, जो भी ब्रांड है, अच्छी ब्रांड है बुरी ब्रांड है, वो सब पे अपने अपने डिपेंड करता है, हम उसको अच्छा बोले या बुरा बोले, बट जो भी ब्रांड उनका है बाहर, जो लोगों के लिए है, बाहर के लोगों के लिए है, वो लेकर आए थे, एक्सेप्ट फॉर सिद्धार्थ मॉम एंड शहनाज डैड। बिकॉज जैसे शहनाज के डैड ने हाथ जोड़ के सिद्धार्थ को बोला था कि थैंक यू आपने इसका इतना ख्याल रखा, ये अगर आप कैमरास नहीं भी होते तो वैसे ही बात करते, कैमरास होते भी तो वैसे ही उन्होंने बात की। तो मुझे उससे लगता है कि ये बहुत बहुत ही रियल फैमिलीज हैं ये दोनों। ऑफ कोर्स मीडिया में तो यार सबको फुटेज चाहिए होती है, सबको लाइक सोशल मीडिया पे हिट्स चाहिए होते हैं, फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, तो बहुत कुछ स्टोरीज कुकअप होती हैं, राइट? तो बट ये दोनों फैमिलीज मतलब मुझे बहुत ही रियल और ग्राउंडेड लगे, और बहुत ही रियल लगे। बिकॉज जिस तरह से अगर अगर वो गेम खेलना चाहते थे, राइट, लाइक शहनाज इज डैड, जो हाँ एग्जैक्टली अनफिल्टर्ड फैमिलीज, बिकॉज और वो ये दोनों बच्चे भी वैसे ही हैं, उनके बच्चे बिल्कुल उन जैसे हैं, और वो फैमिली वीक में प्रूव हो गया है कि ये कुछ शो के लिए अलग नहीं दिखा रहे हैं, जो है वो है, मतलब उनकी फैमिली भी वैसी ही है, राइट? उनके फैमिली ना कोई मीडिया में है, इवन इफ लाइक शहनाज इन हिज स्टेट और इन हिज सिटी, इन हिज डिस्ट्रिक्ट और वट एवर, तो वो वहाँ पे उनका है, उनको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, जो जो लाइक मीडिया है या जो भी है। बट उन्होंने वो सब, उनका जो रोज का काम है या जो भी है, वो बाजू में रख के अपने बच्चों के लिए जो किया वो किया, राइट? ये सिर्फ ये दोनों फैमिलीज हैं जो आई थिंक शहनाज डैड वॉज रियली ग्रेटफुल, जैसे
सिद्धार्थ ने उसका टेक केयर किया, वो बिकॉज वो अपनी बेटी को जानते हैं, राइट, ये कैसी है, इसकी पर्सनालिटी क्या है, कितनी इमोशनल है, कितनी लोगों को आसानी से बिलीव करती है, या जो भी उसके पर्सनालिटी, अपने मन से चलती है, लाइक मन से चलती हाँ, तो वो कहीं ना कहीं जो सिद्धार्थ ने उसका टेक केयर किया था वो थोड़ा बहुत मैटर्नल, मतलब जो लाइक अ पेरेंटल, मतलब जो केयरिंग होता है, राइट. मैं सब कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हिसाब से नहीं बोलूंगी, बिकॉज जैसे शहनाज ने सिद्धार्थ की केयर की थी जब वो बीमार था, दैट वॉज अ वेरी मैटर्नल थिंग टू डू. Correct. It was a very maternal thing to very, do. Yeah, gee, gee. Right. It doesn't make her his mother or anything, but that's a shade you play when you are a companion. जब आप किसी के companion होते हो, तो आप बहुत सारे roles play करते हो, because you know situations भी वैसी ही होती हैं. Life में अलग-अलग situations आती हैं. तो जब शहनाज के dad ने हाथ जोड़े थे ना, you know सिद्धार्थ के सामने, मुझे मेरे डैड की याद आ गई थी. बिकॉज वो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि अगर आपकी बेटी का कोई आप जैसे ख्याल रख रहा है, इट्स अ बिग डील. और सेम थिंग सिद्धार्थ की मॉम की भी फीलिंग थी कि इसने मेरे बेटे का ऐसे ख्याल रखा था जैसे मैं रखती. तो वो मुझे उन्होंने वर्ड्स में नहीं बोला, बट वो दिख गया था मेरे को, और वो मुझे वो बहुत स्पेशल लगा था फैमिली वीक. बाकी सारों ने यार यार रायते फैलाए हैं, फिर चैनल ने भी अपना कांड किया, रश्मि के वो जो भी यू नो बच्चे आए थे, फिर वो कश्मीरा के बच्चे आए थे, मुझे उनमें कोई अफेक्शन ही नहीं दिखाई दे रहा था. बट ठीक है, शायद मैं बायस्ड हो सकती हूँ, बट मुझे ये दोनों का बहुत, तो इसीलिए अभी तक इनका जो बॉन्ड है, राइट, ये कैमरास के लिए कभी था ही नहीं. तो बाद बाद में जब SNIT जब हो रहा था, राइट, बाद में तो मुझे लगता था कि यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो मुझे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी लगती थी, बिकॉज यू नो सिद्धार्थ इज अ वेरी प्राइवेट गाय एंड शहनाज भी काफी प्राइवेट बंदी है, तो वो SNIT करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो शो में ही दिख गया था, शो के बाद भी दिख गया था, सब कुछ मतलब था ही था. तो उसमें अभी हम बार बार बोलेंगे ओ इसका बैकग्राउंड ये है, मुझे इसका शैडो दिखा, क्या फायदा है, मतलब आई डोंट सी एनी पॉइंट इन इट. दे आर टुगेदर एंड दैट्स इट, एंड दे डोंट ओवर एनीथिंग. तो एनीवे, सो दैट वाज माय फैमिली वीक. हिना होपफुली दिस चेक सम बॉक्स. और एक और बात उसमें मैं फैमिली उसमें ऐड करना चाहूंगी कि वो जब फिनाले हुआ था ना, तो उसमें भी जो फैमिली बोली थी बीच में, इसकी मॉम बोली थी और सिद्धार्थ, सॉरी, शहनाज की मॉम, डैड, सिद्धार्थ की मॉम, उसमें भी उसके डैड ने कैसे सिंपली एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने इस पे हाथ भी उठाया था, मैंने इसको लाइक मारा भी था कि मॉडलिंग ना करे, तो मैं उसको रिग्रेट करता हूँ. तो वो बात भी राधिका जी मुझे अभी याद आ गई. That was such a touching moment. Or if you remember, you know, Siddharth ne uska hand hold bhi kiya tha. Ji, ji. Yeah. Amar? Shehnaaz, now private. Main ye bolungi, ya Malika, Shehnaaz was always private. With her, if you, agar aap uske social media dekho, Insta ya jo bhi news, mujhe abhi tak nahi pata, shayad aap logon ko pata hogi. उसका जो कमिटेड रिलेशनशिप था वो किसके साथ था मुझे अभी तक नहीं पता. वो बंदी उसने कभी नाम नहीं लिया, उसने कभी नाम, हाँ, exactly. तो वो पहले से ही बहुत प्राइवेट है. ये जो इसका जो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के पोस्ट है ना, वो फन के लिए करती है, बिकॉज उसको ना उसको लोगों से जुड़े रहना अच्छा लगता है. अगर वो आ पाती तो मुझे लगता है वो ये लाइफ पे भी आती. मुझे लगता है वो लाइफ पे होगी भी. किसे पता, अभी वो अमन को जानती भी है, उसने अमन के लिए यू नो पर्सनल मैसेज भी भेजा था कनाडा से, राइट, फ्रॉम द वैंकूवर एयरपोर्ट. जी, तो हु नोज, वो किसी आईडी में यू नो डिस्गाइज होके आ रही होगी, पता नहीं. अमन, ऐसे आपको लगता है कि यू नो शहनाज आ रही होगी आपके लाइफ में? मुझे लगता है अमन सो गया. और उसने लाइक उसने क्यों नहीं लगता है?
थैंक यू सिद्धार्थ एंड सेनास फॉर बीइंग इन माय लाइफ. थैंक यू सो मच. अमन आप मैसेजेस पढ़ रहे हो? नो आई वाज मेकिंग समथिंग, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट इन लाइव. ओके अमन योगी जी बोल रहे हैं कि उनको ऐड करो. या मनीषा आई एग्री, मैंने आपका पढ़ा था, सॉरी मैं अभी देख रही हूँ वापस. थैंक यू फॉर पोस्टिंग योर मैसेज अगेन. आई एग्री बिकॉज उनको लगा कि शहनाज को भाव नहीं दिया रीटा आंटी ने और सब अपने अपने ख्याली पुलाव में खुश थे. बट जो शहनाज को बैकरब मिला था यू नो सिद्धार्थ की मॉम से और बोला था ये मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल है. हेलो हेलो हाय हाय हेलो टू एवरीवन. योगी जी आप अभी अभी सो के उठ के आए हो? यस मैं अभी सो के उठ के आया हूँ. आवाज से लग रहा है. हेलो अनु जी. अनु जी नहीं है, राधिका जी है. हेलो राधिका जी. हाय योगी जी हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग. आई एम गुड. बढ़िया बढ़िया. क्या बातें, क्या बातें चल रही हैं? अच्छा अभी ना अगर हम भीगे होंठ तेरे की बात नहीं करेंगे तो मनोज. अरे यार अभी मेरी आंखें खुली हैं, आप भीगे होंठ बता रहे हैं. भाई क्या करना चाह रहे? मनोज ना दो दिन से बहुत पेशेंस से हमें. मनोज जी मनोज भाई साहब आपके कुछ मुझे वो इम्प्रेशन ठीक नहीं लग रहा. आप इतना भीगे होंठ क्यों पूछना चाह रहे हैं? ओके क्यूट मोमेंट्स पे मैं एक छोटा सा डिकोड करूं. बिल्कुल बिल्कुल प्लीज प्लीज. ओके सो ये ना मैं वीकेंड पे देख रही थी गुत्थी वाला वीकेंड जब यू नो सनी लियोनी और गुत्थी आए थे. राइट. अरे बहुत अच्छा वीकेंड था वो. चप्पल अवार्ड. चप्पल अवार्ड. हाँ करेक्ट. सो जो चप्पल अवार्ड हुआ था तो ये अपना गुत्थी तो मतलब सुनील ग्रोवर तो लग गया था अपना मतलब he's an amazing artist. तो वो अपना कर रहा था और जब वो शुक्ला जी को लेके आता है कंबल में. राइट. ये बहुत ही छोटा सीन है, बहुत ही छोटा सीन है. मतलब ये मैं गेम के हिसाब से बोल रही हूँ. जब वो आजकल तो शुक्ला जी अकेले पाए नहीं जाते ऐसे कुछ बोलता है. राइट. कंबल में तो वो आसिम को बोलता है कि कंबल लेकर आओ अंदर से व्हाटएवर. जब वो होता है तो आप देखो कैमरामैन आई थिंक कैमरामैन नॉट द मेकर्स और द चैनल बट कैमरामैन ना आई थिंक मुझे वो शिपर लगता है. वो यू नो सिडनास का शिपर है. तो वो जब गुत्थी बोलूंगी मैं, जब गुत्थी और सिद्धार्थ वो कंबल में होते हैं वो स्टेज में आता है. राइट. और वो तब कैमरा एंगल लाइक माहिरा पे जाता है. तो माहिरा की आंखों में आप अगर देखोगे विच आई एम श्योर यू गाइज हैव सीन इट ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स, वो एक इशारा करती है पारस को कि देख ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें भी यही करना चाहिए. मतलब उसने सिर्फ आंखों में ये मेरे यू नो कनेक्ट द डॉट्स है, ये मेरा एनालिसिस है. तो उसके बाद राइट तो उसने बोला कि लुक व्हाट दे आर डूइंग वी शुड आल्सो डू द सेम थिंग. आई थिंक दैट्स व्हाट द बॉटम लाइन वाज. वो माहिरा के एक्सप्रेशंस थे. बहुत बड़ा बड़ा सही आपने वॉच किया, ये पहली बार ये पॉइंट बाहर निकल के आया. तो फिर उसके बाद अगर आप देखोगे जब वो ठीक है ओके तो वो जब वो एक नॉमिनेशन का वीक था जहाँ पे सारे नॉमिनेट थे. राइट. जो वो फर्नीचर वाला था कि कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करना चाह रहा था और पूरा घर. तो वो सिद्धार्थ ना बहुत ही मतलब डूड ही इज अ मास्टरमाइंड. राइट. मैंने बहुत बार बोला है. तो सिद्धार्थ उसका वो लव बाइट का कमेंट करता है बिकॉज
ये माहिरा और पारस की गेम चल रही थी जब तक वो यू नो गौतम गुलाटी वाला एपिसोड नहीं, वीकेंड का वार नहीं हुआ था, तब तक इनकी वो एक स्क्रिप्ट चल रही थी. अम्मी सुन लेगी राधिका जी. हाँ ठीक है, सुन लेने दो. अम्मी ने सब देखा है भाई, उसकी अम्मी बहुत पहुंची हुई चीज है, बट ठीक है. तो वो यू नो सिद्धार्थ भी बोलता है कि वो सानिया देख लेगी, सानिया समझदार है. वो सानिया उसकी मम्मी की है, उसका नाम है, उसके मॉम का नाम है, राइट, माहिरा के मॉम का नाम है. तो वो लव बाइट की बात करता है बिकॉज वो सिद्धार्थ दिखाना चाहता था कि ये लोग जो गेम खेल रहे हैं ये बाहर नहीं आ रहा है, वो इनको एक्सपोज करना चाह रहा था, वो अपने मजाकिया वे में उनको एक्सपोज करना चाह रहा था. तो पहले उसने लव बाइट शुरू किया था, लाइक लव बाइट का किया था कि ओ ये एलर्जी, हमारे एज में भी हमको एलर्जीज होती थी, हमको बॉल लग जाती थी, ये वो. तो फिर यू नो जहर भी उसमें शामिल हो जाती है वो जोक में, राइट. तो वो हो गया, वो एक हफ्ते, वो फिर यू नो कट टू नेक्स्ट वीकेंड, सॉरी नेक्स्ट वीक, जब हैंग ऑन लेट मी, या तो वो जो विशाल और यू नो मधुरिमा का चप्पल वाला सीन होता है, जो यू नो जेलसी, वो लाइक जेलसी वाला वीक जो होता है आफ्टर यू नो जस्सी वाला वीकेंड. तो जस्सी वाले वीकेंड के बाद का जो मंडे या ट्यूसडे है, जो भी है, वो जब चप्पल से मारती है, राइट. और वो फिर, तो इफ यू रिमेम्बर, सिद्धार्थ मजाक मजाक में उनके बेड पे जाता है, ही गोज इन द बेडरूम और माहिरा और पारस के बेड पे जाता है, और वो अपने मजाक यू नो चाइल्डिश वे में उनको बोलता है कि देखो पता है, देखो पता है क्या हुआ था, विशाल ने नहीं मधुरिमा ने चप्पल मारी थी विशाल को. तब ये दोनों कंबल में you know घुसे हुए होते हैं. I don't want to use these words but they were quite cozy with each other, correct, thank you. cute moment चल रहा था उनका, cute moment. मजा आ रहा है जो आप बातें कर रहे हैं, बहुत सही, continue. तो ये इन ये सिद्धार्थ मतलब भाई साहब वो तो अलग लेवल पे था, और वो इनकी गेम को एक्सपोज कर रहा था. बिकॉज उसके बाद वो कॉमेडी वीक हुआ, फिर जेलसी हुआ, फिर जब गौतम का वीकेंड हुआ, तब पारस जब एक्सपोज हुआ था, तब तब यू नो सलमान ने बोला था जो आप कर रहे हो वो फ्रेंड वाला नहीं है. तो उसने बहुत वार्न किया था, पारस को भी वार्न किया था और माहिरा को भी वार्न किया था कि जो आप कर रहे हो वो फ्रेंड जैसा नहीं लग रहा है, ये कुछ अलग लग रहा है, राइट. तो ये तो ये ना स्लोली ही स्टार्टेड टू बिल्ड दिस अप. एक मिनट, आई विल बी राइट बैक. लीला जी बोले पायरा फैन योगी. सो आई थिंक ये ना सिद्धार्थ अदर देन शहनाज वो जो भी करता है वो सिर्फ शहनाज के साथ जो भी करता था वो गेम के लिए नहीं करता था. आई थिंक वो ऑडियंस ने ना पूरा मंबल जंबल कर दिया था कि वो एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं. इसीलिए वो जो लास्ट जो वीक था ना वो इग्लू वाले टास्क के बाद जो उसका ब्रेकडाउन हुआ था, सिद्धार्थ का ब्रेकडाउन हुआ था, और उसने जो यू नो इनडायरेक्टली कन्फेस किया था लाइक शहनाज को, वो एपिक सीन था जब शहनाज बोलती है कि मुझे तेको देखे प्यार आता है, व्हाटएवर. उससे पहले जो हुआ था, जो बेंच पे, जो बाहर सोफा पे बैठ के और आसिम यू नो मजे ले रहा था, तब यू नो सिद्धार्थ को बात चुभी थी कि शहनाज ऐसे क्यों बोल रही है कि यूज एंड थ्रो. बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को ना गेम के ताने नहीं देते थे, गेम नहीं खेलते थे एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे के लिए खेलते थे. तो इसीलिए आई थिंक यू नो सिद्धार्थ वॉज वेरी इफेक्टेड ड्यूरिंग दैट वीकेंड, बिकॉज यार इतना करके फिर शहनाज ऐसे क्यों बोल रही है मेरे को यूज एंड थ्रो. तो उसको वो कहीं बहुत खटका था, इसीलिए वो बहुत
बेजार हो गया था बिकॉज वो सबको एक्सप्लेन कर रहा था कि तूने शहनाज को क्यों नहीं बचाया, अब्दुल्ला को क्यों नहीं बचाया, पारस को क्यों बचाया, बिकॉज उसको बहुत कॉर्नर किया गया था एक तरीके से, बिकॉज उस दिन एक अलग लेवल की पोकिंग की गई थी रश्मि और आसिम ने कि ये तो तेरे फ्रेंड्स हैं, ये है वो है, तो पूरा एग्जॉशन था पूरा सारे दिन का. फिर वो लेस का टास्क हुआ, वो हंस रही थी, जो भी लाइक नथिंग हेल्प्ड, तो इसीलिए वो यू नो ब्रेक डाउन हुआ. खैर वो तो अलग अलग चीज है, वो अलग टॉपिक है. बट ये जो गुत्थी वाला वीकेंड था राइट, ये कंबल तो इन्होंने लगा, इनको लगा जो आप क्यूट मोमेंट्स बोल रहे थे ना, मैं वहां से निकली थी, मतलब वहां से मेरा टॉपिक निकला था योगी जी की जो क्यूट मोमेंट्स है, क्यूट मोमेंट्स है. तो दे ट्राई टू रिक्रिएट जो सिडनास कर रहे हैं और जो गुत्थी ने भी उसको एक्नॉलेज किया था, तो उनको लगा कि यार ये तो फेमस है, हम भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे. तो इसीलिए उन्होंने किया और इनका पूरा मतलब प्लान फ्लॉप हो गया. बट और राधिका जी सबसे वो तो एंड में आके तो इन लोगों ने उनकी लड़ाइयों को भी कॉपी करने की कोशिश किया, वो वॉशरूम में जाके प्लान. ओह दैट वाज सो लेम, दैट वाज सो लेम. Yeah, it was quite मतलब वो कैमरामैन से पता चलता था कि कैमरामैन हमें क्या दिखाना चाह रहा है. थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन, होप आप सभी को ये लाइव अच्छा लगा होगा. और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, सिडनास हमें बहुत जल्द दिखने वाले हैं, तो आप सब लोग रेडी हो जाओ. और प्लीज़ आप इस चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो. मैं आप सबके लिए डेली लाइव्स डालता रहूँगा सिडनास के बारे में. ओके, और प्रीवियस लाइव भी देख लो जो मैंने पिछले डाले. ओके, थैंक यू, लाइक जरूर किया करो. थैंक यू, योर एडमिन अमन, सिडनास अपडेट्स, बाय.